ओम रिं नमो अर्हन्तानं ओम रिं नमो सिद्धानं ओम रिं नमो आयरियानं ओम रिं नमो उवच्छायानं ओम रिं नमो योये सर्वसाहूनं एषो पञ्चनमो सर्वपापकणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं आराध्य देव की चरण में वंदना परम पूज्य गुरुदेव की चरण में वंदना बंधुवें बहनों जैनिज्म की हम बात कर रहे हैं बच्चों को बच्चों के साथ कैसे क्या कंपेयर करना था उनको बताना उसकी भी बात चल रही है तो आज हम काल चक्र द विल ऑफ टाइम उसकी बात करेंगे तो जो काल चक्र की जहां तक बात है इसमें हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं बताई गई है उसके अलग अलग अपने एस्पेक्ट्स बताए गए हैं और हर धर्म में अगर आप देखते हैं उसमें जाके उसके डेप्थ में जाते हैं हर फिलोसॉफी में आपको इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इसके बारे में मिलता है तो जैनिज्म का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है और जैनिज्म और जब हम हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काफी हिंदुइज्म का भी जैनिज्म के निकट है पर थोड़ा सा क्योंकि उसमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो हिंदुइज्म में जो है वो क्या कहता है कि वो चार पार्ट में डिवाइड करता है उसको कि ये जो टाइम साइकिल है जो वर्ल्ड की वो चार पार्ट में डिवाइड है सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग और कलयुग और ये पूरा टोटल 5000 वर्ष का है कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिलता है कहीं 5000 वर्ष तो ये मतलब टोटल लगभग 5000 वर्ष का और सारे के सारे जो चार पार्ट है वो इक्वल डिवाइडेड है 1250 वर्ष में तो इस तरीके से डिवाइड है और वो उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो है वो गोल्डन एज है तो गोल्डन एज में क्या होता है कि पीपल बहुत ज्यादा उसमें डिवाइन क्वालिटीज होती है उनका नेचर उस समय का नेचर बहुत अच्छा है प्योरिटी अच्छी होती है पीसफुल होता है और वो लोग सोल कॉन्सियस होते हैं सोल और कॉन्सियसनेस में ही जीते हैं और उस समय जो डेथ का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एकदम डिफरेंट होता है हर आत्मा को हर जीव को पता होता है कि मुझे कब इस शरीर को छोड़ना है और अब नया शरीर को धारण करना होता है तो उस समय कोई भी दुख नहीं होता है कोई कुछ भी नहीं होता है तो ये सिल्वर रह जाता है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जो जीव है जो आत्माएं हैं वो थोड़ा थोड़ा उनकी डिवाइन क्वालिटीज है वो कुछ कम होने लग जाती है वो उतना जो कॉन्सियसनेस है उसकी एकदम वो कम होती है पर तो भी अभी भी वो सोल कॉन्सियस होते हैं और फिर थर्ड आता है कॉपर एज तो कॉपर एज में क्या होता है कि वो जो कॉन्सियसनेस है वो सोल से हट करके बॉडी तक बॉडी पर आ जाती है तो बॉडी कॉन्सियसनेस स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर स्टार्ट होता है उसका तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं अपनी आत्मा को भूलते हैं और उसके कारण कुछ बुराइयां उसमें जन्म लेने शुरू कर देती है और बुराइयों के कारण जब ये शुरू हो जाती है तो उनके लाइफ में बहुत सारा दुख आता है पीड़ा आती है उदासी आती है तो फिर क्या होता है कि इस एज में जब ये सब कुछ होता है तब धर्म आता है उसको उनको त्राण देने के लिए धर्म का जन्म होता है पर इससे पहले जो लोग हैं वो धर्म को नहीं जानते हैं आयरन एज जो है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी है और ज्यादा सफरिंग्स है ज्यादा दुख है और इस एज में ज्यादा क्या होता है आयरन एज में कि बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्सियसनेस होता है जो भी जीव होता है वो बॉडी कॉन्सियस ज्यादा होता है शरीर से ज्यादा अट्रैक्ट होता है और सोल को भूल जाता है उसके कारण बहुत ज्यादा इशारा चलता है और इसको हम प्रेजेंट आयरन कहा है मतलब ये जो प्रेजेंट एज है वो आयरन एज है तो हम देखते हैं कि इससे काफी चीजें हमारी जो है जैनिज्म की वो मिलती जुलती है तो उसको अब हम देखते हैं जैसे उन्होंने सतयुग कहा है और त्रेतायुग कहा था सतयुग जो है और ऐसे जैसे उन्होंने भी यही कहा कि वो एस्केलिंग एंड डिस्केंडिंग ये जो
एरा चलता है, मतलब उसका साइकिल चलता है, और जैनिज्म भी मानता है ये साइकिल चलता है। हम मानते हैं कि उत्सर्ग भी है और अवसर भी, पर उन्होंने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया और जैनिज्म ने उसको सिक्स पार्ट में डिवाइड किया है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम मानते हैं तो उसमें कई बार होता है कि जो साइंस तो है वो क्या कहता है, साइंस ज्यादा से ज्यादा हम जो कहते हैं हमारे अगर तीर्थंकरों के समय टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो वो अरिष्ट नेमी तक जाता है, उससे आगे के कुछ नहीं बताता है। तो क्यों नहीं बता सकता है, उसका भी एक रीजन है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि अगर कुछ उससे पहले था तो उसका हमें एविडेंस मिलना चाहिए, उसका एविडेंस नहीं मिलता इसका मतलब कुछ नहीं था। तो उसका भी एक रीजन है कि जो ये कोई भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कुछ अंदर से पृथ्वी के अंदर से कोई किसी के कोई जीव के बॉन्स मिल गया या कुछ और अवशेष मिल गए, तो वो सारे जो है वो कब होता है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज होती है तो उस समय क्या होता है कि कुछ ना कुछ अंदर जाता है। पर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हम ये मानते हैं कि उससे पहले का जो समय था जो ये उससे पहले जो फोर्थ आर्य से पहले का जो तीसरे आर्य का समय या फिर फोर्थ आर्य में भी काफी समय था, लास्ट में कुछ वैसा शुरू होगा, पर उससे पहले कभी ये नेचुरल क्लैमिटीज और ये सब चीज होता ही नहीं था, वो इतना ऐसा टाइम पीरियड था। तो अगर वो कुछ हुआ ही नहीं तो आपको कैसे उसके एविडेंस मिलेंगे अंदर से कुछ भी। तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हम जो मानते हैं कि टाइम जो है टाइम साइकिल का टाइम इज इनफिनाइट एंड विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, जो टाइम है वो अनंत है, समय जो है काल है जो अनंत है, उसके कोई स्टार्टिंग कोई नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, और वो हमने उसको डिवाइड किया है किसमें, इक्वल टाइम साइकिल में, काल चक्र में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में क्या है कि ये फर्स्ट से सिक्स्थ आ रहा, फिर वापस फर्स्ट से सिक्स्थ आ रहा, तो ये इक्वल टाइम साइकिल में बंटा हुआ है। तो और ये जो हर टाइम साइकिल मतलब जो एवरी टाइम साइकिल जो सिक्स आ रहा सॉरी फर्स्ट उत्सर पिनी फिर अवसर पिनी अवसर पिनी उत्सर पिनी दोनों ये भी क्या है, दोनों छे छे में डिवाइड किए हुए हैं। तो छे छे में डिवाइड होते हैं और इसमें क्या होता है कि जब रास से विकास की ओर जाते तब कहते हैं उत्सर पिनी, और विकास से रास की ओर जाते तब कहते हैं अवसर पिनी। अब यहाँ सर्पिनी देखो अगर आप ध्यान देंगे तो शब्द क्या है, उत्सर पिनी अवसर पिनी, सर्पिनी शब्द है इसमें, ये जो सर्पिनी शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब उसको हमें दिखाने के लिए समझाने के लिए इजी वे में समझाने के लिए बहुत कि उत्सर पिनी और अवसर पिनी इसको एस्करिंग डिस्करिंग स्ट्रेट से कैसे मिला। तो उसमें जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से इसको समझाया कि जैसे सर्प का मुंह होता है, मुंह की तरफ जाते जाते वो चौड़ा हो जाता है और नीचे पूंछ की तरफ जाता जाता उसको एकदम संकड़ा हो जाता है, तो वैसे ही उत्सर्पिणी में क्या कह रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे सर्प, नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो चौड़ा चौड़ा होता जाता है, वैसे ही नीचे से जब उत्सर्पिणी क्या होगा, पहले आर से छठे आर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें सुख बढ़ता जाएगा, और उत्सर अवसर पीने में क्या होगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे सर्प के उस शरीर में देखते हैं हम तो नीचे की तरफ पूंछ तक जाते हो एकदम पतला हो जाता है, वैसे ही पहले आर से छठे आर तक जाएंगे तो वो पहले तो बहुत ज्यादा सुख है और फिर बिल्कुल सुख का नाम ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये होता है, तो ये एवरी जो हर उत्सर पीणी और अवसर पीणी है वो छह पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल पीरियड्स मतलब छह इसमें है तो यहाँ भी छह है, और ऐसा नहीं कि उत्सर पीणी के जो है वो तो बड़े हैं और अवसर पीणी के छोटे, नहीं दोनों में एक जैसे हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं थोड़ा कि ये जो है उत्सर पीणी में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, हैप्पीनेस होगी, स्ट्रेंथ होगी, और एज और बॉडी रिजिड स्ट्रेंथ ये सारा जो है वर्स्ट से बेस्ट की ओर जाएगा, यहाँ वर्स्ट से बेस्ट की ओर जाएगा, और उत्सर पीणी उससे बिल्कुल उल्टा होगा कि डेवलपमेंट हैप्पीनेस स्ट्रेंथ एज और व्यक्ति की बॉडी जो है उनका रिलीजियस ट्रेंड्स जो है वो सारा बेस कंटिन्यूशन से वर्स्ट की ओर जाएगा। तो प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, तो एट प्रेजेंट वी आर इन दिस एरा फिफ्थ एरा ऑफ
अवसर पीढ़ी, तो इस अवसर पीढ़ी के पांचवें आरे में हैं हम। पर अब एक एक में क्या होता है, ये छह आरे के नाम एक तो देख लेते हैं। तो नाम क्या है, सुखम सुखम, फर्स्ट क्या क्या है, सुषम सुषम मिलेगा कहीं, सुषम सुषम या सुषमा सुषमा, सुखम सुखम, ये सारे नाम मिलते हैं। तो सुखम सुखम काल जो है ये इसमें क्या है, बहुत अच्छा है। इसमें मतलब जीव के क्या होता है, सुख ही सुख है, इसमें कुछ दुख नहीं है, पूरा सुख ही सुख है, कोई दुख का अनुभव ही नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं उसको एक्सट्रीमली स्प्लेंडिड, ऐसा ये समय है। फिर दूसरा जो है वो सुखम काल है, तो वो उसमें क्या है, दुख नहीं है पर सुख भी कम हो गया थोड़ा। ये जो दूसरा है उसमें सुख भी थोड़ा कम हो गया, और इसको कह सकते हैं हम स्प्लेंडिड, अच्छा है। फिर तीसरा जो है सुखम दुखम काल, गुड बैड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोर स्प्लेंडिड स्लाइटली ट्रबलसम। तो ये तीसरा जो है वो सुषम दुषम या सुखम दुखम काल हो गया। चौथा है वो दुखम सुखम, अब इसमें दुख तो ज्यादा है सुख कम है, तो मोर ट्रबलसम और स्लाइटली स्प्लेंडिड। पांचवा जो है वो दुखम काल, ये जो दुखम जिसमें जी रहे वो दुखम काल है। ये दुखम काल जो है तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रबलसम होता है, और दुखम दुखम मतलब दुषम दुषम काल, तो ये बहुत वर्स्ट मतलब वेरी बैड वर्स्ट कह सकते हैं उसको हम, और एक्सट्रीमली ट्रबलसम होता है। तो इसमें एक्सट्रीमली ट्रबलसम है। अब इसमें भी जो है छह आरे हैं, तो छह में छह के छह आरे में क्या होता है कि सब जीवों का जो हाइट है बॉडी की और वो सब चीज चेंज होती है। तो जो सबसे पहले आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं, या अगर गुजराती पढ़ना आता है इसमें लिखा हुआ भी चार कोटा कोटी सागरों का, तो ये जो आरा होता है वो किस कितना होता है, चार कोटा कोटी सागरूपम का होता है। और इसमें इनका शरीर जो मतलब बॉडी की हाइट कितनी होगी इनकी, तो तीन गांव की होगी। उनका आयुष्य होगा तीन सागरूपम का, और आहार कब करेंगे, तो तीन दिन के अंतराल से करेंगे, मतलब आफ्टर थ्री डेज दे विल ईट समथिंग। और कितना खाएंगे, अरहर का दाना, तुअर की दाल जो कहते हैं, अरहर की दाल, उसके एक दाना जितना ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, और इतना सा ही खाएंगे, और तीन दिन तक वापस भूख नहीं लगेगी उनको। और फिर उनकी जो पसलियां हैं कितनी होगी उनके, तो 256 पसलियां हैं उनके, पसलियां होती है बॉडी में। और ये जो है जन्म देते हैं, मतलब ये इसमें योगलिक युग उसको कह सकते हैं, योगलिक युग है, तो योगलिक मतलब एक लड़का और एक लड़की जन्म लेते हैं एक साथ, ट्विन के रूप में, ट्विन्स होते हैं। तो जब इन इसमें क्या होता है कि जिंदगी भर ऐसे कुछ नहीं, पर लास्ट में वो टाइम पीरियड होता है तब वो अपने संतति को मतलब बिफोर 49 डेज जन्म देते हैं। 49 डेज के पहले जन्म दिया बच्चे को, और बस 49 डेज तक उनका पालन पोषण किया, फिर उनको उनके जो माँ बाप है मतलब वो जो योगिन है उसकी डेथ हो जाएगी, और 49 डेज के बाद वो बच्चे अपने आप अपना सर्वाइव करेंगे, और वो बचपन में तो भाई बहन की तरह रहेंगे, और बड़े होने के बाद जब यौवन में आएंगे तो पति पत्नी की तरह रहेंगे। तो ये फर्स्ट आरा। अब सेकंड आरे में क्या हो गया, उससे कम हो जाएगा, इसमें सेकंड आरे का टाइम पीरियड भी कम हो गया, वो चार कोटा कोटी सागरोपम का था, ये तीन कोटा कोटी सागरोपम का हो गया। तो सागरोपम और क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पसलियां कम आदि होगी, उससे जो अपने पसलियां होती हैं 256 थी उसकी जगह 128 हो गई। और जो बच्चे को जन्म देते थे वो देते थे पहले 49 डेज से पहले, और ये देंगे 64 डेज से पहले, 64 डेज पहले जन्म देंगे और फिर उसको जन्म देके बाद में हो जाए। अब हाइट उनकी तीन गांव थी, थ्री गांव, इनकी हो जाएगी दो गांव। उनका आयुष्य था तीन सागरोपम, इनका हो गया दो सागरोपम का, और वो खाते थे कितना, तीन दिन के बाद खाते थे केवल एक अरहर के दाने जितना, तुअर के दाल जो कहते हैं उसका उतना सा खाते थे। और ये जो है दूसरे आरे वाले हैं वो दो दिन के अंतराल से खाते हैं, पर अब जो मात्रा है वो थोड़ी बढ़ गई, कितनी, बेर के दाने, एक बेर कितना होता है छोटा सा, वो जो बेर आते हैं तो वो बेर के जितना उतना सा दाना खाएंगे, और फिर दो दिन तक उनको कुछ नहीं, वो भी एक ही बार खाएंगे,
हम सोच सकते हैं कि उनके सहज तपस्या थी, उन जीवों के सहज तपस्या थी। आज हमें अगर ऑल्टरनेट फास्टिंग करनी होती है तो हम सोचते हैं, और फिर जब पारना होता है उस दिन भी, दिन में कितनी बार खा लेते हैं हम, कोई कोई व्यासना भी करता है तो भी दो बार भी खा, दो बार व्यासना में भी कितना भर पेट खा लेता है। पर उन लोगों की तो सहज तपस्या थी, इतने सहज में तपस्या थी। और ये उसका कारण क्या था, इन सब चीजों का कारण क्या था कि ये सब होता था, तो उसको भी हम कि उस समय जो उनकी मिट्टी वहां की जो थी वो ज्यादा स्निग्ध थी, मतलब मिट्टी भी आज की चीनी से, चीनी जो है हम, जो आज की सुगर है उससे भी अनंत गुना वो मीठी मीठी थी, वैसे थी उसमें, इतना ज्यादा उसमें स्निग्धता थी, इसलिए ऐसा होता था। ठीक, तो अब ये जो है तीसरे आर्य तक आते आते क्या हो गया, तीसरे आर्य का टाइम पीरियड भी कम हो गया, दो कोटाकोटी सागर कम हो गया, दो कोटाकोटी सागर कम हो गया, और जो पसलियों की संख्या है वो भी कम हो गई, अब धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है। तो ये पसलियां और आधी होगी, यहां पर 64 होगी, 64 पसलियां होंगी, और उनकी जो हाइट थी वो एक गांव हो गई, आयुष्य उनका एक सागर कम हो गया, और पहले जो था कि 49 days पहले जन्म देते थे, फिर 64, अब 79 days पहले बच्चे को जन्म देंगे, और फिर उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाएगी, और फिर वो बच्चे अपने आप सरवाइव करेंगे। तो इन सब का सरवाइव कैसे होता था, थोड़ा हम और आगे जाके देखते हैं, थोड़ा उसको मैंने ऐसे बताया, अब उसी को थोड़ा सा और डिटेल में जब सरवाइव की और की बात आ रही तो वो पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम चौथे आ रहे और गुजर जाएंगे। तो ये जो एकदम हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का टाइम था, ये तो हमने जाना, और पीपल जो थे लंबे थे, पर यहाँ पर ये था कि विश फुलफिलिंग ट्रीज हम कह सकते हैं उसको, जो कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष के द्वारा, मतलब उन लोगों को कुछ काम नहीं करना था, हालांकि ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि की बात कर रहे हैं हम, तो भी उस समय वो कर्म युग की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, तो कर्म वृक्ष की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, तो उससे उनको कुछ काम नहीं करना, कल्प वृक्ष जो थे वो ही सारा उनको जो भी चीज उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, उनकी डिजायर होती थी, उसको फुलफिल कर देते थे। तो वो उनको कैसे, जैसे उनको रहने के लिए जगह दे देते थे, कपड़े दे देते थे, उनको बर्तन चाहिए तो वो दे देते थे, जो भी चाहिए, जो अच्छा खाना पीना, म्यूजिक ज्वेलरी, जो भी उनकी इच्छा होती थी, रात को उनको लाइट चाहिए तो वो सब कुछ चाहिए देते थे। और इसके कारण क्या था कि वहां उस सबकी इच्छा पूरी होती थी, सबको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं था, जितना चाहिए उतना आराम से मिलता था, तो उस समय कोई भी क्राइम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, कोई मारना पीटना कुछ भी नहीं था, तो सब अच्छे से जीते थे। तो ये 10 तरह के जो कल्प वृक्ष की बात आती है, तो जैन कॉस्मोलॉजी में क्या कहते हैं कि ये विश ग्रांटिंग ट्रीज भी कह सकते हैं इनको, जो लोगों की जो भी डिजायर होती थी, उसकी जो भी विश होती थी उसको पूर्ण कर देते थे। तो उस समय ये जो 10 कल्प वृक्ष है उनके नाम भी आते हैं, तो एक फर्स्ट, एक नाम है उसका फर्स्ट जो है उसका मातंग वृक्ष। तो मातंग वृक्ष क्या करते थे, मातंग वृक्ष जो होते थे वो उनको फ्रूट्स देते थे, जिनको भी फ्रूट्स की इच्छा हो, तो जो फ्रूट खाना है तो वो उसके नीचे जाता था, मातंग वृक्ष के नीचे, और फ्रूट्स की इच्छा करते थे, कौन सा फ्रूट चाहिए उनको, वो फ्रूट दे देता था। फिर भिंगा वृक्ष क्या करता था, उनको सोने और चांदी के बर्तन देता था। फिर तुदियांग वृक्ष जो था, वो क्या करता था कि अलग अलग तरह के 49 types के इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड करता था, वो मतलब म्यूजिक बजाता था, उनको जैसे इच्छा और उनको जो पसंद है वो म्यूजिक उनको सुनाता था। ज्योति वृक्ष क्या करता था कि रात के समय उनको लाइट देता था, रात को अंधेरे में उनको जब प्रकाश की जरूरत होती थी तो वो उनको लाइट करता था। फिर दीप वृक्ष, मतलब जो ज्योति वृक्ष है वो सनलाइट की तरह लाइट देता था, ज्योति वृक्ष। पर दीप वृक्ष जो है वो बल्ब की जितना, या दीपक जो दिया हम कहते हैं उसके जितना वो लाइट देते थे। फिर चितंगा, जो वृक्ष देते थे वो क्या करते थे कि किसी को भी कोई ऑर्नामेंट्स, जो फूल के ऑर्नामेंट्स गहने पहनने होते थे तो वो उसको प्रोवाइड करते थे। और चितरंगा वृक्ष जो है
वो 18 तरह के डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी फूड आइटम्स उनको देता था। और मनोवेग जो वृक्ष है वो उनको सोने के डायमंड और प्रेसियस जेम्स से जड़े हुए उनको गहने देता था। गिहंगार जो वृक्ष था वो उनको 42 मंजिलों वाला क्या देता था, वो महल देता था। और अनियगारा वृक्ष जो होते थे वो उनको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देते थे। तो इस प्रकार के 10 ये जो है नाम है, 10 नाम में कहीं कहीं कुछ नाम अलग अलग ग्रंथों में थोड़े थोड़े डिफरेंट भी मिलते हैं, और थोड़ा बहुत उसके उसके बारे में भी कुछ डिफरेंट मिल सकता है कि ये वृक्ष ये देते थे या वो देते थे। पर आप लोगों मतलब इसका जिस यही है, इसका कहने का सार यही है कि उस समय लोगों को अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये जो कल्प वृक्ष होते थे वही उनकी सारी विश जो होती थी, उनकी जो भी जरूरत होती थी वो फुलफिल कर देते थे। और इसके कारण बहुत अच्छा सूदिंग सब सब कुछ चलता था। अब फर्स्ट आरे में अच्छे से चला, सेकेंड आरे में भी वो जो था ट्रीज वैसे ही काम कर रहे थे, पर जो हैप्पीनेस थी उसमें थोड़ा सा मतलब वो जो सुप अल्टीमेट हैप्पीनेस थी उसकी जगह एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की जगह हैप्पीनेस का युग आ गया। अब इसमें वो सब कुछ उनको मिल रहा है पर लोगों की हाइट कम होगी, उनका लाइफ स्पेन कम हो गया, और साथ साथ में उनकी भूख थोड़ी बढ़ गई। वो 3 दिन से खाते थे, अब 2 दिन से खाने लगे। वो छोटा सा अरहर की दाल के जितना खाते थे, अब ये थोड़ा बैर के जितना खाने लग गए। तो उसका उनकी भूख थोड़ी बढ़ गई और उनकी हाइट कम हो गई, उनका लाइफ स्पेन कम हो गया, और जो हैप्पीनेस थी वो एब्सोल्यूट नहीं। अब फिर थर्ड आया सुखम दुखम आया, तो ये इसमें भी हैप्पीनेस थी बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा दुख था। अब इस आरे में क्या हुआ, स्टार्टिंग से लेकर तो उस कल्पवृक्ष जो है वो सारा अच्छे से दे रहे थे, पर एट द एंड ऑफ द थर्ड एरा कल्पवृक्ष ने क्या किया, अपना वो सब कुछ जो सारी चीजें देने का वो उसमें कम हो गया, कभी वो मिलती कभी नहीं मिलती, तो उससे कम मिलने लगी। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी में लॉस होने लग गया। उसके कारण क्या हो गया कि व्यक्ति की अब इच्छाएं तो बढ़ रही थी क्योंकि उनकी भूख भी बढ़ रही थी। तीसरे आरे में आते आते उनकी भूख भी बढ़ गई थी, अब वो आंवले के साइज का खाना आहार उनका हो गया था, और ऑल्टरनेट डे से खा रहे थे, ऑल्टरनेट डे से खा रहे थे, और आंवले की साइज जितना उनका हाल गया। अब वो भी उनको नहीं मिल रहा था, उनको दूसरा पहनना ओढ़ना जो भी चाहिए वो भी सब कुछ नहीं मिल रही थी चीजें। तो अब लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से छीना छीना झपटी और सब कुछ शुरू हो गया। अब ऐसा सब कुछ हो गया, तब लोगों को लगा कि अब कुछ पैनल कोड बनना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और कोई हमारा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड करे। कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। उस समय क्या हुआ कि एक जो योगल था, उस समय तब तक तो योगलिंग ही जन्म लेते थे, तो एक युगल था उसका वो जो जा रहा था उसके सामने से हाथी आया, और हाथी ने उसको उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लिया। जनरली उस समय तक तो कोई सवारी की कोई परंपरा नहीं थी, कोई पशु पर सवारी नहीं करता, कुछ नहीं करता था। अब हाथी पर अपने आप उसको बिठा लिया, क्योंकि हाथी और वो नाम था उसका, उसका नाम लोगों ने रख दिया विमल वाहन। विमल हाथी जो होता है तो बहुत अच्छा होता है, और उसका वाहन बन गया, इसलिए उसका नाम रख दिया विमल वाहन। वो हाथी जो है उसके उस योगल के विमल वाहन के कोई पूर्वजन का उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, और उसको देख के उनको पूर्वजन की मैत्री उसके सामने उभर के आ गई, और उसके कारण उसको उसने बिठाया था। तो लोगों ने सोचा कि ये कुछ हमसे ज्यादा अच्छा है, हमसे ज्यादा सुपीरियर है, तो उसको अपना लीडर बना लिया। तो ऐसे 7 कुलकर हुए, और कहीं कहीं 14 कुलकर के भी नाम मिलते हैं। तो ये 7 कुलकर के नाम है, विमल वाहन, चक्षुस्वान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसेंजित, मरुदेव और नाभि। तो नाभि सबसे अंतिम है। अब इन जो कुलकर थे उन्होंने क्या किया कि जब भी कहीं पर कुछ भी होता था, कोई भी क्राइम करता, छोटा मोटा कुछ भी होता था, तो उनके लिए एक पनिशमेंट पैनल कोड रख दिया। तो क्या शुरू किया, सबसे पहले हाकार पनिशमेंट, पहला और दूसरा जो कुलकर थे विमल वाहन और चक्षुस्वान, उस समय तक क्या होता था कि हाकार पनिशमेंट जो था उससे काम चल जाता था, कि कोई भी किसी ने कुछ गलत किया, किसी से छीना झपटी की, किसी से मारपीट की, तो उसको
दैट हाँ ये हाँ तूने ये कर दिया, इतना सा कहने से उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता था और फिर वो व्यक्ति वैसा कुछ नहीं करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इससे इसका असर कम होने लगे। फिर तीसरे कुलकर के समय में भी उसका असर कम होने लगा, तो उन्होंने एक और निकाला कि जब छोटे क्राइम करता था तो उसको तो ये कहने से हो जाता था, हकार पनिशमेंट देता कि तुमने ऐसे हाय तुमने ऐसा कर दिया, तो वो उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट हो जाती। पर कोई अगर बड़ा थोड़ा क्राइम करता था तो उनके लिए माकार पनिशमेंट, माकार में क्या मतलब, डू नॉट डू दैट, मा मा मतलब मत करो, ये मत करो, जब ये उनको देना लगे। तो ये भी तीसरे और चौथे कुलकर के समय ये सब कुछ इससे इतने से काम चल रहा था। पर जब पांचवा कुलकर आया तब पांचवे कुलकर के समय इसका भी काम फिर धीरे धीरे इससे भी ये थोड़ा असर कम करने लग गया। तो क्या हुआ, उस समय शुरू कर दिया गया धिक्कार नीति, हाकार नीति, माकार नीति और धिक्कार नीति। तो एकदम छोटे कोई छोटा मोटा किसी ने अपराध किया तो उसको हाकार, हाय तुमने ये कर दिया। फिर किसी ने उससे थोड़ा बड़ा किया तो ये मत करो, और बड़ा बहुत बड़ा उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा किसी ने कोई किया तो उनको धिक्कार कि हाय तुमने ये कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, धिक्कार है तुम्हें, तुमने ऐसा किया। तो वैसा कहने से उस समय तक वो काम चल रहा था। तो पांचवें छठे कुलकर के समय अच्छे से चला, पर सातवें कुलकर जो नागी थे उस समय फिर धीरे धीरे लास्ट में आते आते ये भी काम करना कम कर दिया, क्योंकि कल्पवृक्ष ने लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ देना करना बंद कर दिया था, बहुत कम मिलता था। तब फिर क्या हुआ कि नागी के यहाँ ऋषभ ने जन्म लिया, एक युगल ने जन्म लिया, तो उनके बेटे उसमें पुत्र का नाम रखा गया ऋषभ। अब ऋषभ जो थे उन्होंने देखा कि सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा था उस समय, छीना जब भी और सब कुछ चल रहा था। और ऋषभ क्योंकि तीर्थंकर थे तो उनको बाय बर्थ के गर्भ से ही उनको तो वो तीन ज्ञान के धनी होते हैं, अवधि ज्ञान उनको था, तो अवधि ज्ञान से उनको पता चल रहा था कि अब एक्चुअली अब कर्म युग की शुरुआत होनी चाहिए, होने वाली है। तो उसके लिए उन्हें उस इन सबको सब कुछ सिखाना पड़ेगा और सब कुछ सिखाने वाला कोई चाहिए। तब ऋषभ ने उनको कहा कि तुम्हें अब एक राजा की जरूरत है, एक राजा की जरूरत है। तो सब लोगों ने कहा कि राजा आप बन जाओ, तो बोला नहीं मैं नहीं, पहले आप जाओ नाभि के पास जाओ, वो आपके कुलकर है, उनसे पूछो कि हमें एक राजा चाहिए। और उनको सारी बात बताई कि राजा क्या करेगा, राजा की क्या क्या ड्यूटीज रहेगी। अब लोग गए नाभि के पास, उनसे कहा कि हमें राजा चाहिए, राजा की मांग की और सारी बात बताई। तो राजा ऋषभ ने सॉरी नाभि ने ऋषभ को ही राजा बना दिया। अब वो फर्स्ट किंग बनने के बाद उन्होंने सारी चीजें, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एक नगरी की स्थापना, क्योंकि उससे पहले तो सब जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, कुछ भी वो नहीं था, तो जंगल में रहते थे तो वैसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले एक नगर बनाया, सब कुछ रहने करने की व्यवस्था कैसे क्या करना सब कुछ बनाया, वो सारी की। और फिर लोगों को असी मसी और कृषि इन तीन चीजों की ट्रेनिंग दी, असी आर्म्स मतलब जो हथियार कैसे चलाना क्या करना, और बिजनेस कैसे करना, और फिर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कैसे करनी वो सब कुछ सिखाया। अब खेती बाड़ी कैसे करनी ये सब कुछ सिखाया। और उसी समय सबसे पहले ऋषभ के समय ही मैरिज सेरेमनी की शुरुआत हुई सबसे पहले, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि जब ऋषभ जो भगवान ऋषभ मतलब ऋषभ और छोटे थे उस समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक बार क्या हुआ कि एक यौगलिक जोड़ा जो था, बच्चे थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों, और अचानक से एक पेड़ पर से एक फल गिरा और उसमें जो लड़का था उस पर वो फल गिरते ही वो लड़के की डेथ हो गई और वो लड़की अकेली रह गई। वो अकेली घूमती हुई लड़की को देख के सबको आश्चर्य लगा कि ये कैसा होगा, कभी तक आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं था, सब अपने पैर में ही घूमते थे। तब नाभि के पास बात गई और नाभि ने कहा कि ठीक है इस लड़की के का जो शादी जो है वो ऋषभ के साथ होगी। तो सबसे पहले वो शादी की परंपरा की शुरुआत हुई और ऋषभ दो लड़कियों के साथ ऋषभ की शादी हुई, सुनंदा और सुमंगला। तो इस प्रकार शादी की सबसे पहले शुरुआत हुई और ऋषभ के 100 बेटे और 2 बेटियां हुई। अब वो सारा कर्मयुग का करने के बाद ऋषभ ने वो
बेटे बेटियों को भी उन्होंने क्या किया, दीक्षा दीक्षा लेने से पहले बेटे बेटियों को भी सारी सबको लोगों को जैसे वो ट्रेनिंग दी, बेटे बेटियों को भी उन्होंने अनेक प्रकार की कलाएं सिखाई। तो जैसे बेटियों को 64 कलाएं, ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान दिया, सुंदरी को गणित का ज्ञान दिया, और भरत और बाहुबली को भी 72 कलाएं वगैरह ये सब कुछ सारी चीजें सिखाई। और भरत बाहुबली के नाम तो बहुत ज्यादा फेमस भी है, भरत पहले चक्रवर्ती भी हुए। तो ये सब कुछ जब लगा भगवान को कि अब ये सारा मेरा काम हो चुका है, तो उस समय उन्होंने दीक्षा ली। अब जब भगवान ने दीक्षा ली तो भगवान के साथ कहा जाता कि 4000 अन्य दूसरे जो थे लोगों ने भी दीक्षा ले ली भगवान, क्योंकि वो भगवान को सब कुछ मानते थे पर वो कुछ जानते नहीं थे। अन्य राजकुमार और राजा और छोटे छोटे उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा ले ली। भगवान तो है घर घर घूम रहे दीक्षा के लिए, पर मौन है, कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि तीर्थंकर मौन होते, वो इशारा नहीं करते हैं कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। लोग जानते नहीं थे, वो अपने राजा मानते थे, दूसरी दूसरी चीजें, ये सारी घटना आपको पता है, दूसरी चीजें दे रहे हैं। पर अब यहाँ पर ये जो ध्यान देने की बात ये है कि भगवान तो क्योंकि तीर्थंकर थे और उस साधना के लिए निकले थे, तो वो तो सहन कर पा रहे हैं भूख को, पर बाकी उनके साथ जो 4000 व्यक्ति दीक्षित हुए थे अपने आप उनके साथ उनके, अब वो भूख को सहन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब घर तो वापस नहीं जाएंगे। तब उस समय वो अलग अलग अपने मन से अलग अलग साधना में लग गए। कोई खाली वृक्ष के पत्ते खा के जीने लगा, कोई शैवाल खा के जीने लगा, कोई केवल कंद को खा के जीने लगा और अपनी साधना करने लगा। तो उसी समय जो हम आज भी देखते हैं कि अलग अलग दूसरे मत मिलते हैं, तो उसी समय से शुरू हो गए थे। तो भगवान 1 साल और 40 दिन तक ऐसे घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, भिक्षा के लिए मिल रहे हैं, पर आखिर अक्षय तृतीया जिसको हम कहते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भगवान ऋषभ का पारणा हुआ उनके प्रपौत्र श्रेयांश के हाथों। श्रेयांश को भी पूर्व जन्म की स्मृति हुई और उससे उनको पता चला कि हाँ पूर्व जन्म में मैंने ऐसे दान दिया था और भगवान को दान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उनसे भगवान को इक्षुरस बहराया था, इक्षुरस के 108 घड़े बहराए थे। तो जो भगवान ऋषभ थे वो पहले तीर्थंकर भी बने, जब उनको केवल ज्ञान हुआ और 4 तीर्थ की स्थापना की और वो सबसे पहले तीर्थंकर बने। अब भगवान ऋषभ के समय के बाद वो सब कुछ 4 तीर्थ की स्थापना हुई, भगवान ने सब कुछ धन का उपदेश दिया और वो सारी बातें भी बहुत सारी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो भगवान ऋषभ का जन्म हुआ 3रे आर्य के एंडिंग में और उन्होंने धन का उपदेश दिया सबसे पहले इस अवसर पे निकाल में उन्होंने, उनको इसीलिए आदिनाथ हम कहते हैं कि वो सबसे पहले तीर्थंकर हुए, उन्होंने सबसे पहले धन का उपदेश दिया। उसके बाद 3रे आर्य खत्म हो गया, 4थे आर्य की शुरुआत हुई। तो अब इस आर्य में क्या हुआ कि दुख ज्यादा था, मोर मिजरी सोरो एंड सफरिंग दैट हैप्पीनेस, और दुख दुख ज्यादा सुख कम था। और बाकी जो जो 23 तीर्थंकर थे वो और 11 चक्रवर्ती थे वो इस 4थे आर्य में ही हुए। और इस आर्य के 4थे आर्य के अंत के जैसे 3 साल 8 महीने बाकी थे जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तो ये जो आर्य है, इस आर्य में क्या होता है कि लोगों का ये आर्य जो है 4था आर्य जो होता है वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। और इसमें जो 42,000 कम होता है क्योंकि फिर वो आगे इसमें आगे 5वें 6वें आर्य में वो 21,000 वर्ष का हो जाता है। और इनकी जो पसलियां थी जो 64 थी उस समय वो 32 हो गई, जो पसलियां हैं वो 32 हो गई और हाइट जो है वो और कम हो गई, हाइट भी धीरे 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 कम होती गई। तो 500 धनुष से शुरुआत हुई और कम होती गई और आयुष्य भी जो है वो कम हो गया, पूर्व क्रोर तक आ गया और लास्ट तक जैसे भगवान महावीर के समय तक तो बहुत कम हो गया था। और आहार जो है, आहार का उससे पहले तक क्या था, तब सबका फिक्स था, पर 5वें 4वें आर्य में आते ही आहार जो है वो अनियत हो गया, मतलब कोई फिक्स नहीं था कि कितना आहार करेगा, कौन आहार करेगा, कब करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे उसमें चेंजेस आ गए 4थे आर्य में। अब 4थे आर्य के एंडिंग में मतलब जैसे जिसने भी जन्म 4थे आर्य में जिसने भी जन्म लिया
वो मोक्ष जा सकता है। चौथे तीसरे और चौथे आर्य में जीव मोक्ष गए, पांचवें आर्य में मोक्ष नहीं गए ऐसा नहीं कह सकते। पांचवें आर्य में मोक्ष जा सकता है जीव, पर अगर उसने चौथे आर्य में जन्म लिया है तब वो जा सकता है। तो जैसे जम्बू स्वामी थे, गौतम स्वामी थे, गौतम स्वामी है, सुधर्मा स्वामी है, ये पांचवें आर्य में मोक्ष, सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी, पांचवें आर्य में मोक्ष गए जम्बू स्वामी, पर उनका जन्म चौथे आर्य में हुआ था इसलिए वो पांचवें आर्य में मोक्ष गए। जब और आचार्य जम्बू स्वामी, जो जम्बू स्वामी के बाद कोई मोक्ष नहीं गया इसलिए हम कहते हैं कि जम्बू स्वामी ने वो बंद कर दिए दरवाजे, पर वैसा कुछ नहीं, पर मूल वैसा हमारा संगनन नहीं है, वो संगनन चाहिए वज्र ऋषभ नाराज वाला, वो होने से मोक्ष, मोक्ष के लिए उतना पुरुषार्थ हो सकता है तो वो नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते मोक्ष। तो यहाँ पर जो है चौथे आर्य में ये सब कुछ कम हो गया। अब आए पांचवा आर्य, तो जो हम पांचवा आर्य, हम जिस आर्य में जी रहे हैं पांचवा आर्य है दुखम काल कह सकते हैं इसको, दुखम आर्य है इसका नाम है दुष्म दुख, और इसमें जो है दुख है, सुख नहीं है, और इसलिए कहते हैं कि ना सुखी संसारी कोई ना सुखी। इस आर्य में ये जो अच्छा ये नंबर चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है कि पहले का लिखा हुआ है। तो ये जो है पांचवा आर्य जो है यहाँ पर दुख से शुरू हुआ है, और धीरे 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 क्या होगा कि जो कंडीशन है वो और ज्यादा पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग हो जाएगी। जैसे अभी तक तो हम कहते हैं कि 2500 वर्ष ही बीते हैं पांचवें आर्य के, तो भी हम देखते कि हमारे से पहले और आज में कितना अंतर है। आप खुद के जनरेशन टू जनरेशन में देख सकते हैं कि आपने जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा और आज आपके ग्रैंड किड्स को देखते हो तो उसमें कितना डिफरेंस है, उनके सहन शक्ति में, उनके बॉडी के स्टेमिना में, सब कुछ में। तो वो धीरे धीरे चेंज होता है और ज्यादा क्या होता है कि अब लड़ाइयां, युद्ध और वो सारे ज्यादा बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो, और लास्ट में क्या हो जाएगा कि घटते घटते जैसे आयुष्य भी घटते घटते क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द पीरियड क्या हो जाएगा कि हाइट भी बहुत कम रह जाएगी, क्यूबिट क्यूबिट जितने, और एज जो है वो 20 इयर्स की रह जाएगी पांचवें आर्य की एंड में। और इसमें क्या होगा लास्ट में, एंड में क्या होगा, जब केवल 3 मोमेंट बाकी होंगे पांचवें आर्य के, तब जो रनिंग का इस पांचवें आर्य के, तो उसमें राजा, किंगशिप, अग्नि और धर्म, ये तीनों ही चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई राजा नहीं होगा, कोई अग्नि नहीं, अग्नि का अस्तित्व नहीं होगा और धर्म भी नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि एक के बाद एक, जब कहते हैं कि जो लास्ट किंग था वो लास्ट किंग होगा, उसका नाम कल्कि कहा जाएगा क्योंकि वो काल के अंत, मतलब इसको कलयुग भी कहते हैं और उसके एंड में। तो वो क्या करेगा, जो अंतिम संत होंगे उनके हाथ से वो जो भी फूड होगा उसको छीन लेगा और वो फिर देवता के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पर जो लास्ट के जो एक संत होंगे, एक साधु होगा, एक साध्वी होगी, एक श्रावक और क्षारी का, वो क्या करेंगे, संथारा संलेखना पूर्वक अपना आत्मा का कल्याण करेंगे लास्ट में, और देवलोक देवगति को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धर्म भी, और नेक्स्ट मोमेंट में धर्म और राजा और फायर सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो जाएगा पांचवें आर्य के अंत में। और फिर छठा आर्य जब शुरू होगा तो उसमें क्या होगा कि वो भी 21,000 वर्ष का होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा वो, उस समय लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और कुकिंग से वो बहुत सारे अननोन होंगे, ज्यादातर वो लोग गुफाओं में रहेंगे, और गुफाओं में भी क्या होगा कि उनके पास दिन में इतना सूर्य का ताप इतना ज्यादा होगा कि वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे, रात के समय ही वो बाहर निकलेंगे और कुछ भी खाना पीना करेंगे, और ज्यादातर वो क्या होंगे, लिविंग एनिमल्स को खाएंगे,
और यहां तक कि वो मनुष्य को भी खा जाएंगे, इतनी उसमें क्रूरिटी आ जाएगी। और आयुष्य उनका जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होगा वो 20 ईयर्स का होगा, और 5 साल की जो महिला होगी वो गर्भवती हो जाएगी और एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देगी वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब हम अगर उसको खाली सोचते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भी कैसा होगा वो। और लास्ट में जब वो इसके एकदम एंड आएगा तब क्या होगी, द ग्रेट कैलेमिटी विल बी फॉल द वर्ल्ड फॉर 49 डेज, मतलब 49 डेज तक अलग अलग तरह की कैलेमिटीज होगी उसके कारण वो। और इसके बाद वापिस क्या होगा, यहाँ का 6th आरा कंप्लीट हुआ उत्सर्पिणी का, अवसर्पिणी का, तो वापस उत्सर्पिणी शुरू होगा तो उसका भी 6th आरा सेम होगा इसके जैसा ही। और हाँ, यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि पसलियां और जिसकी बात है पसलियों की, तो 4th आरे में जो 32 थी तो 16, हम जो कहते हैं हमारे रिप्स कितनी 16 है तो वो उतनी रहेगी, तो ये कम होती जा रही है, उसमें बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और यहाँ जो है 5th आरे में जो है, अच्छा 4th आरे से जो 80-80 ऋषि, तो भगवान ने वो जो ऋषभ ने सिखाया था वही फिर 5th आरे में वही होगा, पर 6th आरे में वो कुछ भी नहीं होगा, तो वो केवल मछलियां और रात को उसको निकाल के क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे और दिन भर गर्मी, सूर्य की गर्मी से वो पक जाएंगे, या तो वैसे खाएंगे या वो उसको लाइव खाएंगे, ऐसे मतलब उनका जीवन ऐसे ही चलेगा, बीलवासी होंगे वो। और उनके हाथ, उनकी जो हाइट जो है मैक्सिमम 2 हाथ की होगी, मूल 1 हाथ जितनी ही होगी, और अपनी जो हाइट कही जाती है वो 7 हैंड्स की, 7 हाथ की कही जाती है, तो 7 हाथ की हाइट है हमारी 5th आरे में। और ये वापस रिवर्स चलेगा ऐसे, तो इस तरीके से चलता रहेगा, रिवर्स वापस चलेगा। और उत्सर्पिणी काल में वापस तीर्थंकर आएंगे आफ्टर दिस 42,000 ईयर्स, मतलब पहला और दूसरा आरा इसका बीत जाएगा, उसके बाद फिर वापस तीर्थंकर और जन्म लेंगे और वापस धर्म आएगा। तो ये हम अगर एक इन शॉर्ट अगर हम देखें ये सारा इसका जिस्ट, तो जो फर्स्ट एरा है वो पीरियड जो हम कह सकते हैं यौगलिक काल है, पैरस में जन्म लेते हैं, उसका ड्यूरेशन 4 कोटा कोटि सागर है। हाइट जो है वो हम कैसे 3 गांव से उसको हम 4 माइल्स 6 माइल्स कह सकते हैं उनकी हाइट। और उनकी एज जो है 3 पल्ले है, सॉरी मैं उसमें सागरों को बताई थी, पल्ले It was my mistake, but like it's Pallyopam, not Sagropam. So 3 pallyas. और जो second आरा आएगा, जो पहला सुषम सुषम आरा, दूसरा सुषम आरा सुखम आरा, उसमें 2 पल्ले का आयुष्य है। तीसरे आरे में क्या होता है, 2 कटाकटी सागर का हो गया, उसका हाइट जो है 1 गांव की है, मतलब लगभग अंदाज से हम कह सकते 2 माइल्स जितनी, और उसका जो है आयुष्य जो है वो 1 पल्ले का है, और अल्टरनेटिव वो खाते हैं 1 आंवले के जितना। तो ये यहाँ क्रमशः भूख बढ़ती जा रही है, आयुष्य घटता जा रहा है, हाइट घटती जा रही है, ये सब कुछ होता जा रहा है ऐसा, और यह जो ड्यूरेशन है वो भी घटती जा रही है। तो इस प्रकार ये 6 आरे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 आरे में जब हम हमने बात की कि 4th आरे में बाकी के 23 तीर्थंकरों ने और 11 चक्रवर्तियों ने जन्म लिया, तो 23 तीर्थंकरों में भी जो सेकंड से लेकर 22nd तक के जो तीर्थंकर है उनको जनरली प्री हिस्टोरिक माना जाता है आजकल, उसको हिस्ट्री में नहीं लेते, प्री हिस्टोरिक मानते हैं। और पार्श्वनाथ और भगवान महावीर को हम जो आज के हिस्ट्री जो है मानने वाले वो उसको हिस्टोरिक मानते हैं, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। तो भगवान महावीर की लाइफ भी उससे हम काफी कुछ परिचित है सब, कि भगवान महावीर ने क्या क्या किया उनकी लाइफ में, उन्होंने तो वो सारा इसमें हम समझ सकते हैं। तो ये जो है
सिक्स आरा जो है काल चक्र है वो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म है, और इसमें यह भी है कि इच्छे आने की जो ये साइकिल चलती रहती है। इसमें कई बार क्वेश्चन होता है, बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे हम मान ले ऐसा। तो अगर हम कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट और उसको मानते हैं तो उसके आगे और क्वेश्चन पर क्वेश्चन होते हैं, पर जब हम इसको अनादि अनंत मानते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन हो जाता है। पर जब हम कहते हैं कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई, एंडिंग कब हुई, तो वो क्वेश्चन इतने सारे आते हैं कि वो स्टार्टिंग किसने की, कैसे की, ऐसे कैसे हो गई, और उसी समय पर इतने सालों पहले कैसे हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, और उसके इतने सालों बाद वो कैसे एंड होगा, क्यों एंड होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत सारे, उसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं और उसका कोई लॉजिक भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम अगर भगवान महावीर की बात करें, अगर आगमों के उसके संदर्भ में जाए, तो भगवान से जब स्कंदक सन्यासी से जब भगवान की बात हुई थी, तब भगवान ने स्कंदक को कहा था कि स्कंदक ऐसा कोई क्षण न था, न है, न होगा जिसमें इस जगत का अस्तित्व ना हो। तो इस अस्तित्व की दृष्टि से अगर ये जगत शाश्वत है तो फिर काल भी शाश्वत ही है। और भगवान महावीर ने जमाली से भी एक बार कहा था कि जमाली इस जगत पे काल चक्र गतिशील रहता है, उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी का क्रम चालू रहता है। इसलिए ये जो जगत है इसका आंचलिक स्वरूप बदलता रहता है, इसका जो चेंज होता रहता है, बट काल की अपेक्षा से सब कुछ चेंजेस आते रहते हैं, पर ये जो जगत है वो शाश्वत है। इस प्रकार से हमने इन शॉर्ट जो अपना जैनिज्म का काल चक्र है उसके बारे में हमने जाना है, और इसमें अपने हम अपने तीर्थंकरों का भी जीवन कैसे थोड़ा बहुत ऋषभ का जाना, और महावीर के भगवान महावीर की लाइफ स्टाइल स्टोरी भी आपने बहुत बार सुनी ही होगी, उसको पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो उसको भी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इन शॉर्ट आप उसको भी समझ लेंगे। और जो आपके कोर्स के लिए मैं एक बताना चाहती थी कि आपको एक बुक का मैं नाम बता रही हूँ, द बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। ये बुक जो है मुख्य नियोजिका साध्वी विश्व विभाजी की है, और आपको उस पर ऑनलाइन मिल भी जाएगी, तो आप इस बुक को रेफर करें, द बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, आपके इस कोर्स के लिए एक तो ये बुक है, और एक कुछ और भी जो है वो मटेरियल हम अवेलेबल करवा देंगे जो आपने और भी थोड़ी चीजें सीखी है उसमें। तो जो ये बुक है द बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, इस तरह की बुक आपको दिखेगी, इस बुक को आप रेफर करें, और हमने इसमें से काफी शॉर्ट में बताया है, कुछ चीजें इसमें और ज्यादा डिटेल में है तो आप इस बुक में देखेंगे। और कहीं भी कुछ फिर डाउट्स है आपको इस बुक में जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग उसमें से कुछ डाउट है तो आप उसमें से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में के बाद मतलब रखेंगे टाइम उसमें पूछ सकते हैं।